बस तो ऐसे रहे हो जैसे गीदड़ शेर को देखकर हंसता है। आ जाओ, आओ सर आगे। आ जाओ शेरो। जानता हूं बाहर कहां से निकलते हैं। आ जाए, इस मकाम से बाहर निकलते हैं। आ जाओ, चले। इस तरफ। लाओ दो, ये लो, जलाओ इसे जल्दी। जवाहिर ने कहा है कुछ दूसरी सुरंगें हैं जो बाहर ले जाएंगी, हम यहां इंतजार करेंगे। हाँ ठीक है, चलो। मैं हरगिज नागुजीर बयान नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे सुल्तान की हालत ठीक नहीं। उस्मान यहां गद्दार बनकर आया था और उसी के मुताबिक सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की। हम उसे पकड़कर पूछगछ करेंगे कि आखिर उसने किसके कहने पर यह सब किया। उस्मान जहां भी मिलेगा उसे बिना मुकदमा चलाए उसे मार दिया जाएगा। मुझे लगता है ये वही जगह है जिसे वो चाल कहते हैं। ये कमजोर हम पर चाले चलाते रहते हैं। पहले वो सुल्तान मसूद और फिर मुझे कत्ल करना चाहते हैं। सुल्तान पर जो वार किया गया मेरे खंजर से किया गया। वो आपको यहां आने से रोक नहीं सके तो यकीनन सुल्तान की मौत का जिम्मेदार ठहराएंगे। मैं हूं जवाहिर। अंदर आ जाओ भाई, अब आप हमारी मदद करेंगे। हम इस वक्त बड़ी मुसीबत में हैं, हमें इस महल से बाहर निकालें। मैं जानता हूं भाई, जानता हूं कि आप किस मुसीबत में हैं। जवाहिर, मुझे इस्तेमाल करके सुल्तान को मारने की कोशिश की। मैं गद्दारों और कातिलों की मदद करने चला था।
तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपना भाई समझता था तुर्गुत, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? उस्मान साहब, आपकी साख को बहुत नुकसान पहुंचा। बस जानते ही क्या हो तुम जवाहिर। हाँ, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी साख को नुकसान पहुंचा है? आंखों में देखो जरा मेरी, क्या मैं गद्दार हूं? सुल्तान मसूद के अपने ही सिपाही ने पहले सुल्तान को मारने की कोशिश की और उसके बाद मुझे। वो गद्दार तो मर चुका मेरे हाथों, लेकिन सुल्तान की हिफाजत नहीं कर सका मैं। वो के हाथों और वजीर आलम शाह जिम्मेदार है इसके। जो तुम जानते हो ऐसा नहीं है जवाहिर, ये गद्दार काई कबीले और उस्मान साहब की साख को बर्बाद करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। अपने भाई की बात पर यकीन करो। यह भी तो हो सकता है कि आप भी इस खेल का हिस्सा हो। क्या अभी भी यह सब खेल लग रहा है तुम्हें? बताओ जरा, छोड़ दो उन्हें। ये कमांडर उनाद का हुक्म है, सब अपनी आंखें खुली रखेंगे। यहां से कोई भी हमारे इल्म में लाए बगैर हरगिज नहीं जाएगा। चलो। रुक जाओ, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है? बिना बताए क्या ले जा रहे हो ये? क्या है इसमें? इसमें उस्मान के मारे जाने वाले सिपाही हैं। ये कमांडर उनाद का हुक्म है। अगर आप लाशें देखना चाहते हैं तो देख लें। जरूरत नहीं, ले जाओ इसे। चलो आ जाओ। निकलने वाले झगड़े का पीछा करो। कहां रह गए उस्मान साहब? कहां रह गए? आ गए। शुक्र। कुसेस, कैसे हैं आप?
उस्मान, कहां जा रहे हो? तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे, यानी कि तुम उन लोगों में से हो जो रियासत सलजूक को ड्राउने ख्वाब की तरह सता रहे। तुम्हारे साथियों की तरह तुम भी खत्म हो जाओगे। अब मैं तुम्हें ड्राउने ख्वाब की तरह सताऊंगा। तो आ जाओ आगे, आओ जरा। पहले सुल्तान को मारने की कोशिश की, तुम इस कमरे में मरने के बजाय भाग गए। तुम गद्दार हो उस्मान, जब तुम मरोगे तो तुम्हें और तुम्हारे कबीले को गद्दार कहा जाएगा। अल्लाह सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। उस्मान साहब, हमारी बेगुनाही की हर कोई गवाही देगा। सरदार उस्मान को पूरी दुनिया जाने, तुम फिक्र नहीं करो इसकी। जवाहर, जवाहर, जवाहिर, जवाहिर, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहादुरों की हड्डियां खत्म हो जाती हैं, नाम जिंदा रहते हैं। एक बहादुर सिपाही के तौर पर लड़े, अल्लाह की बारगाह में सुरखुरु हो गए। मैं अल्लाह की बारगाह में आराम से जाऊंगा, ये जानते हुए कि मैं हक का साथ देते हुए शहीद हुआ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा वक्त आ गया, लेकिन तुम्हारा भी दूर नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे माशाल्लाह सोलगुरा, आपने धाड़कर सालिमों के दिलों में खौफ डाल दिया। शिकारी की तरह लड़े आप माशाल्लाह। वो मुझे शेर का शिकारी कहते हैं। जब उस जाहिल ने मुझे आपका कहा तो मैं आपके पास पहुंच गया। अरे शुक्रिया, लेकिन आपने यहाँ पर शेरों का शिकार नहीं किया बल्कि कुत्तों का किया। उम्र दराज हो,
अगर आपको कोनिया में परेशानी का सामना करना पड़ता है तो यूं समझे मैं मौजूद हूँ। आपकी उम्र दराज हो? आपकी भी उम्र दराज हो उस्मान साहब। माशाल्लाह, हर शय खुल के सामने आ चुकी है। वजीर आलम शाह और गिहातो साथ हैं एक दूसरे के। बिल्कुल ये जाहिर है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? हमने अब जो करना है वो भी वाजह है। वो दोनों वाकई एक साथ काम कर रहे हैं। सुल्तान मसूद के सामने ये साबित करना पड़ेगा। और ये मत भूलो, गिहातू और वजीर लोगों को गाफिल करने में बहुत माहिर हैं। और सुल्तान मसूद, उनकी कोई इत्तला? क्या वो महफूज हैं या वो भी? ओह, अल्लाह सलामत रखे उन्हें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो यकीन जानो हालात बहुत पेचीदा हो जाएंगे यहां पर हर किसी के लिए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे और आसानी वाला मामला फरमाए। सुल्तान मसूद के साथ मैंने काफी वक्त गुजारा है, वो एक मजबूत इंसान है, इंतहाई मजबूत। जल्द बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, यकीनन सुल्तान तो बेहतर हो ही जाएंगे, लेकिन उस्मान साहब, हम उन जख्मों को कैसे भर पाएंगे जो उन्होंने आपका कबीला और मुझसे मेरा कला लिया, जबकि हमारी रियासत समझती है कि हम गद्दार हैं। ऐसे में हमें अब क्या करना चाहिए? जो मैं बताऊंगा उसे समझना आपके लिए काफी मुश्किल होगा कोसिस। हम लोग किसी भी चीज के मालिक नहीं है जो उसके लिए गमगीन हो। हर चीज का मालिक अल्लाह है। मेरा कबीला मेरी जिम्मेदारी है और उसकी खिदमत करने के लिए जो हो सका वो करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ यही है और कुछ नहीं। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नीयतें भी खालिस हैं और दिल भी हक की राह पर चलता है। शुक्रिया। इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कबीलों और कलों की कोई अहमियत नहीं होती। आप इस बारे में क्या कहते हैं दुर्गित? एक दिन हमें यहां से जाना ही है, इसलिए किसी सूरत नहीं घबराते। हमारा अल्लाह पर पुख्ता यकीन है। मुझे ज्यादा परेशानी है तो मारी की है। मारी एक बहुत मजबूत लड़की है। मैंने अपनी बहन को हालात से लड़ना सिखाया। शुक्रिया। काई की खवातीन भी उसके साथ हैं, वो एक दूसरे की हिफाजत जरूर करेंगी। उस्मान साहब, वो जरूर एक दूसरे की हिफाजत करेंगे जैसे हम एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। रब हमें मिलकर लड़ने की तौफीक अदा करे इस मकसद में। आमीन। मैं अपना कला तो जरूर हासिल करूंगा और अपने लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब भी। और अब तो आपसे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं रही, बल्कि अब तो हम दोस्त बन गए। तकदीर बहुत से दरवाजे खोल देती है। कौन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन, ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। हाँ, अब आप भी तो देखिए मेरे साथ हैं। उसी का काम है ये, हमारे बस में नहीं। सुल्तान, मेरे सुल्तान, या अल्लाह तेरा शुक्र है। किसने
आखिर किसने किया ये मेरे साथ? उस्मान ने, मेरे सुल्तान। उस्मान, उस्मान को तलाश करके उसे जिंदा मेरे पास लाओ। लेकिन मेरे सुल्तान, उस्मान ने आपको मारने की कोशिश की। उसने हमारे एक कमांडर को भी मार डाला। उस्मान को ढूंढकर हम उसका सर कलम कर देंगे। उस्मान मरना नहीं चाहिए। मैं उस शख्स से जाती तौर पर खुद पूछूंगा। जाओ ढूंढो उसे। ए सलामती वाले रब, जालिमों की चालों से, मुनाफिकीन के शर से खौफजदा मैं कभी नहीं हुआ। हमेशा तेरी ही बारगाह में पनाह लेता हूं। तेरे ही इनाम पर हमेशा तवक्कल करता हूं। या रब्बी, मेरी नस्ल को इस काबिल बना कि वो तेरा नाम और दीन पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे तक फैला सके। तेरी राह में काफिरों का सामना करने के लिए, जिहाद करने के लिए ऐसी कुव्वत अता करके मैं साबित कदम रहूं मेरे अल्लाह। ए मालिके कुल, ए करम वाले मेरे रब, तेरा पैगाम आम करते हुए रास्ते में आने वाली मुश्किलों से और रुकावटों से या अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखना। ए अल्लाह, अगर आज मैं इन हालात में फंस गया हूं तो इसकी वजह वो मुबारक रियासत है। या रब्बी, इन झूठे इल्जामात के खिलाफ मुझे अपनी सफाई पेश करने की हिम्मत अता फरमा। दिलो जान से तेरी राह में खड़े होने वाले भाइयों का साथ नसीब फरमा मेरे अल्लाह। हिम्मत अता करता के तेरा दीन और इस्लाम का झंडा दुनिया में हर जगह लहरा सकूं। या रब्बी, ये जिंदगी मेरी कुर्बान हो तेरी राह में मेरे अल्लाह। तू ही है जो सब जानता है। सामने आने वाली हर दीवार को मेरे अल्लाह नेस्तो नाबूद करने की ताकत अता फरमा। मैं वो रियासत चाहता हूं जो दुनिया पर राज करेगी तेरे हुक्म से। ऐसी रियासत वजूद में लाना नसीब फरमा या अल्लाह। आमीन। उस्मान महल से भाग गया है। हम उसे तलाश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो कोनिया से फरार हो गया है। सुल्तान भी जिंदा है। उस्मान, तुम फिर बच गए। हाँ, लेकिन तुम्हारा सर आखिर में मैं ही काटूंगा। काई सरदार गुंदू साहब आए हैं। आने दें। खुशामदीद गुंदू साहब। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।
खवातीन पर जिन्होंने हमला किया वो कौन थे बताएं वजीर आलम शाह। हाँ सुना है और सिपाही भी भेजे हैं मैंने वहां। सुना है कि ये सब जूलिया ने किया, उसके साथ निकोला भी है। अफसोस के वो खवातीन के सामने ही ताकत दिखा दे। निकोला, उसने मेरी ताईशान को जख्मी किया। निकोला अपने महल से कदम बाहर निकालेगा तो वो इसकी कीमत अदा करेगा। वजीर आलम शाह, मैं तुर्कमानों को जमा करूंगा। इसकी जरूरत नहीं गुंडू साहब, कल जब आप हरमानकाया पर कब्जा कर लेंगे तो वो अपने किए की कीमत अदा करेगा। सुने, आज रात निकोला के पास जाऊंगा मैं उसे रोकूंगा और कल आप अपने सिपाहियों के साथ हरमानकाया फतह कर लेंगे। मगर निकोला किसी भी वक्त बुरी चाल चल सकता है। तुर्कमान सरदारों को अपने साथ लाएं, वो आपको हरा नहीं सकेंगे और वो इनाम के मुस्तहिक भी होंगे। हरमानकाया का ताल्लुक काई से रहेगा हमेशा। शुक्रिया आपका। एक बुरी खबर है गुंडू साहब, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता मगर मुझे कोनिया से खबर मिली है। उस्मान कोनिया में है, उसने सुल्तान से बात भी की है। शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है। उसने सुल्तान की पीठ पर छुरा घोंपा, उसने उन्हें मारने की कोशिश की और फिर भाग गया। क्या? किसी सूरत अब उस्मान को बचाया नहीं जा सकता। अगर वो कभी मेरी पकड़ में आ गया तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं उसे मार डालूंगा। और आपके फराइज कबीले के सरदार के तौर पर जारी रहेंगे। अपने लोगों को उनका हक दें।